ये दूसरी साइड है और तीसरी कौन सी है जहां से हम खाना चबाते हैं, पीछे वाली चबाने वाले दांतों की ऊपर वाली साइड तीसरी, ठीक है। कौन कौन सी साइड होती है, बाहर वाली, अंदर वाली और चबाने वाली। जब तक आप ये तीनों साइड्स को साफ नहीं करोगे दांत साफ नहीं होंगे, और कौन सी साइड आप छोड़ोगे उस साइड से कीवे कीड़ा लग जाएगा, कैविटी बन जाएगा, ये हमेशा याद रखना। और सबसे ज्यादा बच्चों के दांत कहां से खराब होते हैं, चबाने वाली साइड से, क्योंकि हम लोग उसको साफ ही नहीं करते। तो बड़े ध्यान से सुनना कैसे साफ करना है तीनों साइड को, तो दांतों को ऐसे जोड़ो, ठीक है, और ब्रश को पकड़ो, ऐसे ऐसे नहीं घुमाना, ब्रश को गोल घुमाओ, गोल घुमाओ। जब आप ब्रश को गोल घुमाते हो ना तो सारी उसमें मूवमेंट्स आ जाती है, ऐसे 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 वाली सब सारी मूवमेंट्स आ गई, ठीक है। तो ब्रश को गोल घुमाना शुरू करो, गोल घुमा के यहां तक लेके आओ, उसके बाद बाहर की साइड साफ हो गई है, हो गई ना, मुंह खोलो, मुंह खोल के नीचे वाला अंदर से और उल्टा करके ब्रश को अंदर से, ठीक है। इससे क्या होगा, दूसरी वाली साइड साफ हो जाएगी। अब तीसरी साइड कौन से रहेगी, खाना चबाने वाली है ना, उसको ऐसे साफ करना है, ब्रश को ऐसे रखो, मुंह खोलो, जारों को पीछे तक ऐसे दोनों तरफ, और ऊपर उल्टा करके ब्रश को ऊपर इस तरफ और पीछे तक, पीछे तक करना है, क्योंकि जो सा दांत आप छोड़ोगे वो दांत खराब होगा। मुंह में 28 से 32 दांत होते हैं, जौन सा दांत आप छोड़ दोगे वो खराब हो जाएगा, जौन सी साइड आप छोड़ दोगे वो खराब हो जाएगी, वो गंदी रह जाएगी। तो ब्रशिंग सिर्फ ये नहीं करना कि हाँ मैंने मुंह में घुमा दिया ब्रश, अगर आप सही तरीके से ब्रशिंग करोगे तभी उसका फायदा होगा। मेरे पास पेशेंट आते हैं और कहते हैं सर हम ब्रश तो करते हैं लेकिन दांत तो फिर भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि हम ब्रश सही तरीके से करते ही नहीं है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि सफाई कैसे करनी है तो सफाई करने का फायदा क्या होगा, होगा फायदा क्या, नहीं होगा ना। तो तीन बातों का ध्यान रखना है, ब्रश कितनी बार करना है, सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले, दूसरी बात हरी सब्जियां खानी है और मीठा खाने के बाद पानी के साथ चोली करनी है, ठीक है। और तीसरी बात ब्रश करते हुए बाहर की साइड कितनी साइड होती है मुंह में दांतों की, तीन, बाहर की साइड करनी है, मुंह खोल के अंदर की साइड करनी है और चबाने वाली, ठीक है। आज से ऐसे ब्रश करना, आपको दोबारा बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि आपको दोबारा कभी भी लाइफ में दांतों की प्रॉब्लम आए, क्योंकि अगर आप खाना ही साफ कर दोगे जिससे दांत की प्रॉब्लम शुरू होती है, मीठा साफ कर दोगे तो कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, ठीक है। और मैं आपके दांत चेक करूंगा, एक बड़ी ध्यान से बात सुनना, जो भी बच्चे किसी किसी के प्रॉब्लम होगी दांत में, कोई कीड़ा होगा, कोई दांत गंदे होंगे, तो मैं उनको अपना कार्ड देकर जाऊंगा या आपके मैम को आपका नाम लिखवा के जाऊंगा, तो वो बच्चे मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और हम लोग उनको कोई चार्ज नहीं करेंगे, उनको फ्री में ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो आप शाम को आ सकते हो 6 बजे के बाद, ठीक है, हम लोग उनको फ्री में ट्रीटमेंट देंगे। तो मैं आपके नाम जो है वो मैम को लेके जाऊंगा, जिन जिन बच्चों के, तो आपके पेरेंट्स को बताना और आप पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, ठीक है, ओके। तो हम आपके दांत चेक करेंगे, फिर देखते हैं किसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, थैंक यू।